तो सब तो पहला तो भाई राम राम। जो भी खोज रहे हैं ना कि यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भाई मेरे जुड़ रहे हैं, तो भाई आज एक बार फिर पहुँचे हाँ गाँव मीरान के बस स्टैंड के ऊपर एक और सर्वे लेकर। तो देखते हैं के हैं गाँव वाला के विचार। युवा भी खड़े हैं और अनुभवी भी खड़े हैं, तो आपका के मन के क्या है भाई, किसने बनाओ सरपंच? मेरा मन तो यही कह रहा कि मतलब युवा बालक आगे आना चाहिए। अच्छा हाँ जी। युवा क्यों? युवा का जमाना है, नई सोच, तो युवा ने मौका मिलना चाहिए। हाँ युवा को मौका मिलना चाहिए। नया विकास है, नई सोच, नया विकास। अच्छा, तो पहला मुद्दा गांव के प्रति क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से युवा के प्रति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के जो युवा हैं वो बहुत पीछे हैं, पीछे हैं खेल कूद में। अच्छा हाँ जी, इसलिए। तो भाई साहब आपकी राय में जो है युवा सरपंच बनना, युवा सरपंच बनना चाहिए, नई सोच, नया विकास का रास्ता। हाँ जी बिल्कुल। चलो धन्यवाद सेठ जी। तो और बुझ ले हाँ। सेठ जी आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए सरपंच, युवा या अनुभवी? युवा और अनुभवी दोनों। दो सरपंच ग्रुप क्रॉस के एक सरपंच बना ना, युवा युवा होना चाहिए, युवा होना चाहिए। तो पहला मुद्दा भाई ने तो कह दी भाई जो है ना युवाओं का प्रति होना चाहिए, आपके हिसाब से पहला मुद्दा सरपंच का कौन सा होना चाहिए जो गांव का विकास, जो गांव का हित में बहुत बढ़ चढ़ के प्रोत्साहित करने वाला हो? भाई का हो गया, शिक्षा का हो गया, और भाई तो ही पूछ ले। हाँ हाँ भाई, अजय कौन बता कौन कौन से मुद्दे जो युवा सरपंच बने, तो कौन कौन से मुद्दे आप काम करना चाहिए सरपंच? भाई गणकरी तो गाड़ा में पानी भरा है। अच्छा, जोड़ा मगा ऊपर का पानी जा है। हाँ, बारिश के टाइम इसका कोई सुन, बारिश के टाइम। अच्छा, कोई मोटर अपर बंद को नहीं, शायद तो कोई चलाओ को नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कई गाड़ कच्ची ही वह कौन बना लाग रही। अच्छा, कोई बालका खातर भाई मतलब कि कोई जिम में का सामान है और कुछ ग्राउंड में वो को नहीं, ग्राउंड में साफ सफाई को नहीं भाई साहब, साफ सफाई को नहीं ग्राउंड में, ग्राउंड में। हाँ, ट्रैक बनाया था सकुल्ला में, मास्टर लोगों ने देखकर पढ़ाओ, मास्टर लोगों ने देखकर पढ़ाओ, कौन पढ़ाओ है गांव में? जो स्कूल है, जो शिक्षा सत्र है वो बहुत ही निम्न सत्र पर है। अच्छा है, तो इसके लिए भी मतलब शिक्षा के लिए भी ध्यान देना है, देना पड़ेगा। और सफाई के लिए जैसे अपने थोड़ी बारिश होती पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा गड़ में, तो उसके लिए अलग निकासी होनी चाहिए। सही बात है। रिक्वेस्ट है सरपंच कोई भी बनो, हाँ, लेकिन गांव का विकास हो। बिल्कुल, ये तो है परम कर्तव्य है, लेकिन ये बोर मारी जाएंगे बाद में, कोई कराए को नहीं, ये सिस्टम हो रहा है। टीप चाहे उन बाकी में करवा लियो, सारे यहाँ भर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में कोई कौन देखा है। तो ये गांव राम ने सोचना ना किसने बनाया, तो वही तो सरपंच तो युवा हो चाहे अनुभव, मतलब गाँव का विकास होना चाहिए। ओपन बात कर दिया अपन, सरकार वह चिंता ना करे, ये होगा मैं तो ना जाओ तो करते हैं क्यों होते रहते हैं, हमें इंटरव्यू लिया करते हैं खिदम तो मीट के करने लगे। अच्छा, जो कर दिया देख ले। हाँ तो वो जो हूँ कि भाई इस बार इतने सरपंच उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं गांव में। अच्छा, तो इतने खड़ा होना गलत है या ठीक है? भाई हमने कौन बेरा इस बात का, सारे 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 आए पापा घरी, सारे मान लिया पापा घरी अच्छे है, थोड़े बोटा बन जाएगा, अच्छे का थोड़ा बोटा बनेगा, तो बोट तो ज्यादा वाला बना, थोड़ा वाला किस तरह बना, तो सरपंच तो यो खड़ा इससे बात करी था, सरपंच तो यो है। देखो मैं बताता हूं, हां तो बता दे तो भाई बेटा किसी का नाम ले, हमें बनी ना नाम नाम बोल लो मैं, सरपंच तो यो बना गांव सारा, हमने बयान देने की जरूरत है, गांव सारा खुश, सारा खुश, सारा खुश है।
तू भी गुस्सा है। मैं तो गुस्सा हूं। हां तो बस मत राजे राजे अपन एक जरूरत की नहीं। मैं तो नु पूछना सारे युवा भी बुजुर्ग भी सब गुस्सा हमारे ऊपर। मेन मुद्दे कौन मुद्दे तो जरा बड़े पत्थर है। बड़े पत्थर है। हां पहले नहीं इतना नहीं क्यों पूरे तो वही कोनी। अच्छा वो तो पूरे कोनी हो मुद्दे हर ज्यादा पूरे होंगे के ना फिर तो कोनी हो बस यार चिंता क्यों करो बनने के बाद मैं अपना आप देख लूं। अच्छा हां और मेरे तुमने कर ली तुमने सारा सौदा जताना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ युवा का है मामला सारा। युवा का तो है बस तो चिंता मत करो और बाद में ले जीत रहे हो का और फिर बात कराएंगे। ठीक है। हाँ सरपंच की पूछा है क्या सरपंच की सरपंच की सरपंच भाई बुढ़ा बडेरा तो क्या काम आओगा तो युवा होना चाहिए। युवा सरपंच होना चाहिए। अच्छा ऐसा कौन सा काम दादी जो सरपंच ना बने दी सबसे पहले कराना चाहिए जो काम की सलाह लेके करेगा वो बढ़िया काम होगा। पहले तेरे नजर में भी तो होगा ना यो काम होना चाहिए सबसे पहले काम का यो मतलब आड़ा दिक्कत आ रही है में। मन की मेरा भाई दादा तू के काम करो हिंदी ना पूछा मैं बता दे नुको पानी बजा रहा है तुम लोग बलश्याम है। हां तो रुक रहे है भाई तुम लोग बलश्याम पानी बजाए इसका समाधान कर दे सरपंच। हां और गांव में सफाई रख और मारे जो गली रेरी कच्ची भाई दुख पाओ किचड़ की भरी है निकलने जा कोनी बच्चे और महिला दुख पाओ से आनदानी सारे पाओ से। बिल्कुल होना चाहिए और एक ऐसा हो भाई इसी सरकार वर्गा तो होना नहीं चाहिए। गौ बेचारी मरण ला रही है तड़प तड़प की। बिल्कुल कोई संभालनी है कोनी कोई प्रशासन ने कोई सरकार ने की चीज कोनी और दुख पाओ से गौ रो रो की तड़प तड़प की मरण लाएगी। बीमारी आ रही बहुत मिले ना यो जे मन कुछ गाल का पानी आ रहा ना काटो बमना जोड़ में काट दो ये तो बिल्ला नाड़ा मंजूर हो गया ये नाक में दम आ गया थोड़ा मीठा पानी कौन हो जा रहा है मीठा पानी हो जाए इसलिए इस तरफ नहीं करया। हाँ। और सरकार ने तो पैसा लगा दिया 1.5 करोड़ और जब नरमाई में सरपंच बने होगा। हाँ। पैसे कमाने का बने से गांव का कोई ध्यान नहीं रखते गांव का काम सारा सही सही करे तो बढ़िया काम हो। युवान की कई सरपंच जुआन है उमड़ा ठीक ठाक उम्र का हो जुआन का भरोसा के जुआन इन जुआन निगरण से हम करते गाँव की है क्या नहीं तो भाई दोनों डाल के खड़े हैं अपने तरफ 55-60 वाले भी हैं बालक भी हैं इधर 50 गयारी बार का हो बुजुर्ग आदमी हो पढ़ा लिखा हो जानकार हो आगे भाई आवाज ठानिया हो कोई काम हो 36 भाईचारा का तहसील का भिवानी का जिले का हमारा साथ दे हमें तो ऐसा दी। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में यही है अपने भी भाई युवा होना चाहिए या बुजुर्ग होना चाहिए 50 तक ऊपर होना चाहिए ये बात करा को नहीं। हाँ तो 50 पीछे दिन का हो गया सरपंच वो होना चाहिए। हाँ गांव का काम होना चाहिए पहली सब तो पहले बन दी कौन सा काम होना चाहिए पहली गली पक्की बन रस्ते रुकड़े पानी का निकासी और कड़े होनी चाहिए। अच्छा जो गली रहेगी वो पक्की होनी चाहिए और गांव की सफाई सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। अच्छा। उनकी रिपोर्ट कोई नहीं करता मैं करूंगा रिपोर्ट। दादा राम 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 भाई इकड़ा सरपंच दादा युवा भी खड़े हैं और अनुभवी भी खड़े हैं तो तारा हिसाब से युवा बनना चाहिए सरपंच या अनुभवी बनना चाहिए भाई गांव की मर्जी बेटा मन नहीं आपका दिल क्या है। मेरा दिल तो नहीं कहे भाई देख ठीक योग्य आदमी उसने बनाओ गांव का। अच्छा बस अच्छा पहला मुद्दा कौन सा होना चाहिए सरपंच बनते वो सब को ना पूछ ले वो बता नहीं आप बता दो ना कौन मेरा मन घनी बने मेरा राम 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 एक छोटा सवाल है भाई इस बार सरपंच में तकरीबन 15-20 जने खड़े हैं बुजुर्ग भी हैं अनुभवी हैं और युवा भी हैं तो आपके हिसाब से युवा बनना चाहिए या अनुभवी बनना चाहिए। मेरा इस मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा अपनी तरफ तो कोई बनो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अच्छा इस बार जो है सरपंच उम्मीदवार युवा भी खड़े हैं और अनुभवी भी खड़े हैं तो आपके हिसाब से युवा बनना चाहिए या अनुभवी बनना चाहिए। बुढ़े बना दे बुढ़ान बना दे और वो कि मैं ज्ञान की बात बताऊंगा नहीं ज्ञान की बात बताऊंगा और नए आड़े दिमाग तो चलना ही तो फैल हो जा सकता फैल हो जा सकता। अच्छा पहला मुद्दा कौन सा होना चाहिए सरपंच का बनते ही सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए गांव के हित में। गांव का तो बढ़िया बढ़िया काम करवानी चाहिए यो नहराला यो पड़वाना चाहिए सबसे पहले तो अरे क्या पैवा सुधार होना चाहिए। अच्छा हाँ ये काम तो नहीं होने चाहिए। चलो धन्यवाद काले सरपंच उम्मीदवार युवा भी खड़े हैं ये इस तरह की बात को नहीं भैया अनुभव भी खड़े हैं कौन सा बनना चाहिए तेरे हिसाब से मन ना घुमरा देगा अपना वोट तो देगा तेरा दिल क्या है किस आपकी राय में क्या है कि सरपंच युवा होना चाहिए या अनुभवी होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए युवा बिल्कुल पढ़ा लिखा तो जो सरपंच भाई 50 वाले भी खड़े हैं 55 वाले भी खड़े हैं तो इन
बैठ जाना चाहिए फिर बैठ जाना चाहिए नया बालक होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल नया बालक। अच्छा तीसरी बात विकास करे गांव का विकास करे तो कौन कौन बने फिर वो देखो कौन बने नहीं भाई आप लोगों के बुजुर्ग आदमी बैठ जाना चाहिए तो मतलब इनका गांव का विकास नहीं हो सकता। बाकी अगर करना चाहो देखो वो इनका भी ये भी कर सके विकास कर सके बिल्कुल। अच्छा ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मतलब इस बार जो सरपंच बना उसने कौन सा काम करना चाहिए जो नहीं हो पाया? एक तो जो अपने जोड़ा का पानी है हाँ ये गाँव से बाहर होना चाहिए। अच्छा मेन तो ये है सबसे रस्ते नहीं है जोड़ के जो साइड में घर है हाँ इनके रस्ते नहीं बिल्कुल भी खराब एकदम मेन चीज यह है काम की जोड़ा की सफाई होनी चाहिए। अगर ये सुधर गई ना बढ़िया काम हो जाएगा उनका मेन मुद्दा ये उठाना चाहिए मेन मुद्दा ये है बस और तो गांव की गली है लगभग पक्की होली सारी मेन है सिर्फ जोड़ का ही अगर यो काम हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। चलो सरपंच बनाओ गांव के आदमी इकट्ठे हो कि कोई सर्वसहमति थे सर्वसहमति थे हाँ तो गांव का चौगरदन न्यू बेरा पट्टा भाई हाँ उस गांव में सरपंच बनया है तो इवनु को भाई जिला का लोकतंत्र देश है सब ने आजादी है आजादी है चुनाव लड़ो यार किसे एक भाई मन में है वो आपके मन में क्यों रखा यार इके बेरा मेरा मन में मैं नहीं सोचू मेरा आ जाए सारे वोट बिल्कुल मन ने के बेरा भाई मेरे वोट को नहीं हो एक भी आप मानो या बात याद है लेकिन सब ने आपकी मन की काटन का हक है आपकी काटो मन की तो युवा भी है अनुभवी है हाँ दोनों खड़े हैं दोनों चीज हैं तो देखो ये बाग आने वाला टाइम बताओगा किसका के रहेगा वो तो हर आदमी का अपना अपना मन में है अपना तो दिल देखो अभी तो जो साफ छवि का बढ़िया ईमानदार आदमी होगा उसने वोट देंगे। और मेन मुद्दा कई हैं अलग अलग जो सरपंच उम्मीदवार खड़े अलग अलग मुद्दे दड़ना रहे हैं नहीं अलग अलग मुद्दे तो कोई किमी दर देखो मेन मुद्दा तो आपने मैं बता दिया सारा गांव लिकड़ा है 36 बिरादरी लिकड़ा है पानी का महकजा है बार के ब्याह हुआ कहें भाई और बड़ा गांव है के सिस्टम सब तो मेन मुद्दे तो ये हैं पानी की निकासी सब तो बड़ी मुद्दा हो रहा है हाल फिलहाल तो गांव का और तो चीज देखो कोई किमी कही जाओ मानो आप इस बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब तो यह सब तो पहले जरूरी है यो होना हाँ यो काम सब तो पहले होने का है भाई गांव का फड़सा न रुके सब न आना है सब न जाना है न्यू थोड़ी भाई पर्सनली मुद्दे तो देश के हैं याद है पर्सनली मुद्दे हल तो भाई धीरे धीरे हो करेंगे लेकिन सार्वजनिक मुद्दे पहले हल करो आप बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद बस सवाल यो है हाँ। कि जो सरपंच है गाँव का जो बने वो युवा होना चाहिए या अनुभवी होना चाहिए? बिल्कुल अनुभवी सरपंच होना चाहिए आजकल के नौजवान फैसला लेने का मतलब ध्यान नहीं है तो सारी बात देख के फिर सरपंच बनावांगे भाई ये बात है मेन पहला मुद्दा कौन सा होना चाहिए सरपंच बन दिए समाज सेवा का ही हो अच्छे काम बढ़िया काम जो समाज के लिए हित में हो ये काम हो लंगड़ा साहब ओ भाई साहब विकास खातर भाई गली गाली जितनी है वो कच्ची रह रही वहाँ पक्की कराई जा। अच्छा और दूसरी बात बालका खातर भाई खेल खाल खातर बढ़िया ग्राउंड और तैयार करवाओ अच्छा। बालका ही तैयारी करवाओ खेल में भी आगे गम बढ़ावा अपना जो सरपंच बना है हाँ। उसने सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जोड़ाला करना चाहिए जोड़ाला हाँ भाई जोड़ाला सही है कोई एक आधी गाल रह रही है वह हाँ। गाल बननी चाहिए अच्छा हाँ। ये सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए भाई तो काला बालक भी खड़े हैं हाँ। और भाई अनुभवी बुजुर्ग भी खड़े हैं अच्छा तो कौन सा बनना चाहिए सरपंच सरपंच भाई इस समय लिखे क्रम में क्रम में लिखे नहीं आपके साथ वोट तो आप भी दोगे हाँ? तो आप युवा ने दोगे या अनुभवी ने दोगे भाई देखिए तो मैं जानू को नहीं हाँ और सरपंच को सही उठेगा ना हाँ उसमें दे हाँ जो लेकिन काम करेगा थोड़ा घना तुम्हारा भी होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वोट सच यार अच्छा आधी रात ले लियो तो अच्छा लेकिन कमांगे वो काम करना पड़ेगा मन को नहीं फौज में लगवाने अच्छा हाँ बस थोड़ा घना काम बस हाँ यो तो मंजूर हो तो वोट से हाथ में ले लियो अच्छा हाँ
बुढ़े एक तौरस है तीन बहनी अच्छा। हाँ। नुकेंगे उड़ा गिर दे तो उड़ा गिर देंगे नुकेंगे उड़े आना तो उड़ा जे बहुत आरी मर्जी तभी सर्वे करोगे बढ़िया सरपंच अपना हो भी जे आग लगे अच्छा आत्मा तो कहूँ सु सरपंच होना चाहिए भाई बढ़िया। हाँ बढ़िया भाई साहब एक सवाल और था। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ भाई साहब तो जो भाई दीपक ने कही थी कि हर माफी एक कमर तोड़ी जाएगी हाँ। उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई दीपक ने सही कही थी जो भी गलत काम हुए हैं शराब होया जुआ होया सट्टा लगाना ये सारे बंद करवा दिए जाएंगे ठीक है। कोई भी दीपक क्यों जो भी बी डी सी मेम्बर बनेगा दीपक का मतलब वहाँ पे जो भी बनेगा उसका उसने मतलब खुद वो करना पड़ेगा आगे आना पड़ेगा कोई भी बनो चाहे बी डी सी मेम्बर इसमें कोई वो नहीं है और हम उनके साथ हैं। जय हिंद जय हिंद जय बाबा। तो भाई खोज हरियाणा की यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई हैं मेरे एक बार फिर से राम राम। ये थे भाई गामाड़ा के विचार। अगर गामाड़ा के विचार और वीडियो अपना अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो वीडियो ने लाइक कर दियो और शेयर करना ना भूलियो भाई। जय हिंद जय भारत।